सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं न्यूज़ बॉय के ही बारे में, मतलब कि मेरे ही बारे में। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो बता दूं, अभी सिर्फ 6000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मेरा वीडियो जो है 3.5-4 लाख लोग देखते हैं, उसमें से जो है 1.5 लाख लोग अनसब्सक्राइब्ड होते हैं। तो समझ रहे हो, अभी 6000 सिर्फ भाई आज के आज ही कर दो तो फटाफट 1 मिलियन कर दो यार। तो जैसे कि मैं आपको कल के वीडियो में बताया था कि मुझे शक्तिमान यानी कि मुकेश खन्ना जी के टीम की तरफ से जो है कॉपीराइट स्ट्राइक आया है, तो उसी से रिलेटेड एक अपडेट है। तो उस वीडियो में मुझे मुकेश खन्ना जी ने खुद कॉमेंट किया है, देख सकते हो, वो लिखे My people will get in touch with you। तो मतलब उनके जो टीम है वो मुझे कांटेक्ट करने वाले हैं, शायद से स्ट्राइक हटाएंगे। इससे रिलेटेड और अपडेट मुझे मिलता है देन मैं आप लोगों को बता दूंगा। एंड थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने मतलब इतना सपोर्ट दिखाया ना कल, मतलब क्या ही बताऊं। देख सकते हो रीट्वीट से ऑलमोस्ट 1500 रीट्वीट होने वाले ट्विटर पे, इनसेन भाई, थैंक यू सो मच भाई दिल से। और जो मिथपैट ने भी जो एक ट्वीट किया था ये वाला, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, आपको पता होगा उनको भी जो एक स्ट्राइक पड़ा था कुछ टाइम पहले, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था। 3 महीने बाद उन्होंने बताया था कि मुझे स्ट्राइक पड़ा था, तो उस टाइम पे उनको कैसा फील होता था वही वो शेयर किया, आप देख सकते हो। ऑल्सो लास्ट में वो लिखे ऑनेस्टली आई एम गोइंग टू क्विट समडे, आई कांट टेक दिस फॉरएवर प्रेशर ऑफ 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स इज इक्वल टू चैनल डिलीट। मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, एक स्ट्राइक आता है ना कि मतलब फिर से स्ट्राइक आएगा और फिर ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब बहुत टेंशन रहता है, ये तो है। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बताते हैं, अदनान 07 के बारे में। आपको पता होगा अदनान 07 के ऊपर कितने सारे वीडियोस बन रहे हैं अभी, तो उन्होंने जो फाइनली रिप्लाई कर दिया है, यस उन्होंने जो है थगेश को एक बॉक्सिंग मैच के लिए भी चैलेंज किया, एमएमए फाइट के लिए, एंड वो बताया कि जितना भी पैसा उस फाइट से बनेगा वो सारा वो चैरिटी में डोनेट करेंगे। और यहाँ पर वो ये भी बताते थे कि उन्होंने जो अब्दुल जो उनके भाई है उनको उन्होंने बताया था कि वो डिस्ट्रैक्ट को मत डालो। यस आप देखिए, पहले मैं बताता हूँ, जब वो मुझे बोला कि तू मेरी छाती तक आता है, तुझे तो लोगों ने मारा है, तो मैं इससे एडवांटेज उसको ये, तो मैं बोला कि भाई चलो एक काम करते हैं, एक लीगल फाइट हो जाए किकबॉक्सिंग या एमएमए, उससे जो भी पैसा बनेगा वो हम लोग चैरिटी में डोनेट करेंगे। ये नहीं बताया उसने, अब क्यों नहीं बताया गाइस आप लोग पूछो उससे। मेरे भाई को उससे भी ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि मेरा सगा भाई है डी अब्दुल जो है, मेरा सगा भाई है, मेरा खून है। मैं उसको मना किया कि मत कर, पर वो बोला कि मुझे तो हर्ट हुआ है, मैं तो बोलूँगा। उसका पर्सपेक्टिव था, मैं अभी तक का उसके सब प्रोजेक्ट में उसके साथ खड़ा रहा हूँ, पर ये गाने के लिए मैं उसको मना ही कर रहा था। मैं उसको समझाया कि भाई कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो उड़ के कीचड़ अपने ऊपर ही आएगा, और अभी भी चैलेंज है। तो शायद इसी के वजह से जो उन दोनों के बीच जो है कुछ हुआ है, एंड देन फिर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिए वो। आज जो है सम्राट भाई इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाले, वो कुछ स्टोरीज पोस्ट किए थे, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। अभी जब मैं एडिट कर रहा हूँ तब तक तो सम्राट भाई का वीडियो आ भी चुका होगा। और यहाँ पर अदनान 07 का बात होएगा, तो बात करते हैं अब्दुल के बारे में। उन्होंने रिसेंटली एक डिस्ट्रैक्ट रिलीज किया था, आपको पता होगा यूट्यूबर्स के अगेंस्ट में, तो उससे रिलेटेड वो कहे, गाना किसी पूरी कम्युनिटी के लिए नहीं पर कुछ ऐसे लोगों के लिए है जो रोस्टिंग के नाम पे गाली ज्यादा देते हैं और वही चीज रैपर कर दे तो गलत हो जाता है। मेरे गाने में गाली है आई एग्री, पर एंटरटेनमेंट पर्पस से दिया हूं, जैसे ये सब एंटरटेनमेंट पर्पस से चलता है। फिर वो सम्राट भाई लक्ष्य चौधरी का एक रिकॉर्डिंग को भी सुनाया, आप देखिए। अब तक तो दानिश की थोड़ी बहुत इज्जत, क्या है दानिश भोसड़ी का, थक्का ही तो था टिकटॉक पे, मर गया भैंचोद, नहीं आएगा अब्दुल्ला भाई, ये तो नाम इतना खूबसूरत है तुम्हारा, बोलने में अजीब सा फील हो। फिर वो लिखे और गाने में गाली हो तो गलत। और यहाँ पर थारा भाई जोगिंदर का भी जो अब्दुल के ऊपर एक डिस्ट्रैक आने वाला है, शायद से अब्दुल एंड अदनान 07 दोनों के ही ऊपर, यस इसके बारे में वो बताया। मैं छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। अब मैं बताता हूँ डिस्ट्रैक के अंदर जो गाली दी गई है ना, रिप्लाई आएगा बेडो, बहुत खतरनाक वाला रिप्लाई आने वाला है। और ये जितने भी हिप हॉप इंडस्ट्री के रैपर हैं इनको भी एक बात बोलना चाहता हूँ, अबे कहाँ छुपे हो तुम लोग, खुलेआम गालियां चल रही है तुम्हारी हिप हॉप इंडस्ट्री के अंदर, उठाओ ऑब्जेक्शन, दिखाओ ना यूनिटी अब। पर कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, थारा भाई जोगिंदर बोलेगा डिस्ट्रैक के अंदर, लपेट दूंगा इस बार भाई। लगता है ये कंट्रोवर्सी अभी बहुत आगे जाने वाला है। लेट्स सी अब थगेश क्या करते हैं, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, अगर करते हैं देन फिर तो भाई क्या ही खतरनाक हो जाएगा, यूट्यूब इंडिया का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगा भाई। आप लोगों को क्या लगता है, क्या थगेश एक्सेप्ट करेंगे अदनान 07 का चैलेंज, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं, केआरके वर्सेस ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। यस केआरके अपने चैनल पर जो ट्रिगर्ड इंसान के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया, आपको पता होगा केआरके कुछ टाइम पहले बताया था कि उनका जो एक मूवी आ रहा है देशद्रोही 2, उस चीज के ऊपर ट्रिगर्ड इंसान रिएक्ट किए थे, और जो केजीएफ 2 मूवी के ऊपर भी रिएक्ट कर रहे थे, तो वो सब सारी चीजों को रिप्लाई किया केआरके अपने वीडियो में। मैं छोटा सा क्लिप दिखाता हूं, पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इंग्लिश तक नहीं लिखनी आई ढंग से भाई, पोस्टर बना रहा है तू अपनी मूवी का, कम से कम इंग्लिश तो ढंग से लिख लेता। तूने कहा कि भाई उसमें तो इंग्लिश भी गलत लिखी हुई है, बेटा वो पोस्टर मैंने नहीं बनाया था, वो फैन मेड पोस्टर था, किसी ने बनाकर डाला था, पोस्ट किया था, मैंने उसको शेयर कर दिया था, तो जाहिर सी बात है वो इंग्लिश मैंने नहीं लिखी थी। लेकिन तू डबल ढोल की कैसे समझेगा, तू गांवटी है, गांव में बैठकर तुझे क्या पता कि भाई ऐसा भी कुछ होता है। तुमने कहा कि मैं इस कहानी को 1500 साल पुरानी क्यों बता रहा हूं, ये तो 1970 की कहानी है, क्योंकि डायरेक्टर ने ऐसा लिखा है। ये 1970 की मूवी दिखाई गई है, चाचा कौन सी मूवी देख कर आए हो,
क्या माल फूक के गए थे? अब तू मुझे बता कि तेरी शक्ल हथियार के टोपे जैसी है, अगर तू इस पे लिख देगा कि ये ऋतिक जैसी है तो क्या हम ऋतिक मान लेंगे? या तू इस पे लिख देगा कि ये रणबीर कपूर जैसी है तो क्या हम तुझे रणबीर कपूर मान लेंगे? नहीं बेटा, हम तेरी शक्ल को हथियार के टोपे जैसी ही मानेंगे, हम तुझे डबल ढोलकी ही मानेंगे। तो बेटा लिखने से कुछ नहीं होता। तेरी नॉलेज के लिए ये बता देता हूं मैं कि 1947 में देश आजाद हो गया था और राजा महाराजा रियासतें खत्म हो गई थी। उसके बाद हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं थी। लेकिन तू कह रहा है कि आजादी के 23 साल के बाद ऐसी कोई जगह थी जो KGF 2 थी। अरे गांवटी, अरे लुखे, अगर कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं है तो बकवास मत करना भाई। तो KRK उसी से रिलेटेड एक ट्वीट किए थे, तो उसका जो ज्ञानी 2.0 रिप्लाई किया वो लिखे, अब ये ज्यादा हो रहा है। अब यहाँ पे क्यों ज्यादा हो रहा है बताए, क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज वगैरह यूज किया गया। देखते ट्रिगर्ड इंसान रिप्लाई करते कि नहीं, मुझे लगता है कि वो रिप्लाई करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, अक्षय एल्विश यादव एंड कीर्ति मेहरा के बारे में। इन दोनों के बीच क्या हुआ है आपको पता होगा, बहुत सारे वीडियोज भी आपने देखा होगा कि इन दोनों का जो है ब्रेकअप हो गया अभी ऐसा ऐसा करके। क्योंकि ना कीर्ति मेहरा एल्विश यादव के व्लॉग्स में दिखती है, ना वीडियोस में दिखती है, ना एल्विश यादव कीर्ति मेहरा के वीडियोस या फिर व्लॉग्स में दिखते हैं अभी। तो रिसेंटली कीर्ति मेहरा जो अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे, इन वो बात की इस चीज से रिलेटेड, आप देखिए वो क्या कही। आप लोगों से मैंने कभी कुछ छुपाया नहीं है, तो मैं कभी छुपाऊंगी भी नहीं। मैं अगर कोई चीज का जवाब नहीं दे रही हूं, तो वो कोई रीजन ही होगा। ऐसे इनपेशेंट मत हो एकदम से, और कुछ ऐसे किसी को ऐसा कुछ मत बोलो कि ये कर दिया धोखा पोखा। प्लीज, आपको लगता है ऐसा कुछ देख रहे हो ना आप बहुत टाइम से, सो ऐसा किसी को भी कुछ नहीं बोलना है, ऐसा सब बढ़िया है। बाकी मैं दे पाती हमसे तुम्हें दे देती हूँ, बस इतना बोलूंगी। एंड आई लव यू गाइस। इस चीज का अलावा मैसेज जो भी पूछोगे वो मैंने सब कुछ आपको बता रखा है, आपको सब कुछ बताया है सब। मैं कुछ भी ऐसे इग्नोर नहीं कर रही, मैं वही बता रही हूँ। अगर मैं ऐसे बोल सकती तो मैं बोल देती, बट वो चीज ऐसा मतलब आप जो भी ऐसे अजम्पशन लगाते हो कि इसमें ऐसा 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 कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब अगले अपडेट के बारे में, अक्षय हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल एक रिक्वेस्ट किया अपने सब्सक्राइबर्स अपने फैंस से, एक बंदे का कल एक्सीडेंट होते होते बच गया, आप देखिए इसके बारे में वो क्या कहे। भाइयों, मेरी एक जेंटल रिक्वेस्ट है सबसे, आपके लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, कि अगर मैं रोड पे दिख जाऊं, ठीक है, तो भाई गाड़ी मतलब या स्कूटी पीछे मत भगाओ, क्योंकि अभी एक बंदा ठुकते ठुकते बचा है मेरी गाड़ी से ही। उसने हेलमेट भी नहीं पहना था, उसको मैंने डांटा है क्योंकि उसकी सेफ्टी के लिए था। अब गुस्सा होके आगे हो गया वो, कोई नहीं भाई, उसकी मर्जी, बट भाई मत करो ऐसे, क्योंकि ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है, ठीक है। मैं दिख जाऊँ ना तो कोई नहीं, मैं रोक लूँगा, मेरे को, मैं हर बार रोकता हूँ जिन लोगों मेरे से मिले, मैं रोक लेता हूँ, बट प्लीज़ मेक श्योर आप ऐसे बिल्कुल ऐसे टक्कर मारने वाले उसमें ना आ जाओ जोन में ना, ठीक है, ओके गाइस। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, अक्षय फैजल वानी के बारे में। इनका एक चैनल है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, मैंने कवर भी किया था एक दिन पहले, जहाँ पे आपको पता होगा अभी जो नूपुर शर्मा का केस चल रहा है उसके ऊपर वो VFX वीडियो बनाए थे, जहाँ पे वो नूपुर शर्मा का सर को अलग कर रहे ऐसा टाइप को दिखाए थे। उसके बाद जो वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था ट्विटर पे, एंड वो अपोलोजाइज भी किया थे आपको पता होगा। लेकिन अभी का अपडेट है कि उनको जो कश्मीर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। यस, आप देख सकते हो एक आर्टिकल आउट हुआ इसी से रिलेटेड। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, अक्षय गौरव जोन के बारे में। तो गौरव जोन अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया सिद्धू मूसेवाला से रिलेटेड, जहाँ पर आपको पता होगा सिद्धू मूसेवाला के गाने पे बहुत सारे रील्स वगैरह बन रहे हैं अभी, है ना, कोई हंसके वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, व्लॉग्स वगैरह बना रहे हैं सिद्धू मूसेवाला के नाम से, बहुत सारे व्यूज ले रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं ऐसा टाइप का। आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन क्या हो रहा है कि गौरव जोन को भी जो है बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आपके भी वीडियोस में जो है एड्स आ रहे हैं, आप भी जो है पैसे कमा रहे हो, आपने मोनेटाइजेशन को ऑन रखा है ऐसे वीडियो में भी। तो इससे रिलेटेड वो बात की कि उन्होंने जो मोनेटाइजेशन को ऑन नहीं रखा है वो क्या कहे, आप खुद देखिए। What's up guys, मैंने अभी जस्ट वीडियो डाली है जिसमें मैंने बोला है मैं मोनेटाइज नहीं कर रहा, और फिर भी उस पे एड्स आ रहे हैं। एड्स क्यों आ रहे हैं उसका मैं रीजन आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने ये वीडियो डाली सिद्धू मूसेवाला भाई के नाम पर, ये सब मत करो, इस पे चल रहा है एड, ठीक है, चल रहा है एड, ठीक है। अब ये है मेरा मोनेटाइजेशन का, ये देखो ये रही अपनी वीडियो, ये मोनेटाइजेशन का है, इसमें आ रहा है मोनेटाइजेशन इनएलिजिबल। एक्चुअली क्या है, वीडियो पे क्लेम है, क्लेम पड़ गया है, कॉपीराइट नहीं, क्लेम पड़ लिया है, उसके अकाउंट में चले जाते हैं पैसे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाती है। तो ये पैसे मेरे पास नहीं आ रहे हैं, जो सिद्धू भाई का गाना लगाया है वो पैसे सिद्धू भाई को जा रहे हैं, जो कि मैं बहुत खुश हूँ वहां जा रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सिद्धू भाई का गाना यूज करा है, जो रील चलाई है ना उसमें रील में गाना है। तो ऑटोमेटिकली मैंने ऑफ करी थी, ऑटोमेटिकली क्लेम पड़ जाता है। क्लेम पड़ने के बाद जो मोनेटाइजेशन है ना, वो जिस बंदे का या जिस सिंगर का मैंने गाना
तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, अच्छे कृष्णा वर्सेस एमयूए के बारे में। आपको पता होगा कुछ टाइम पहले कृष्णा जो एमयूए बंटाई के ऊपर एक डिस्ट्रैक रिलीज किए थे, तो उसका जो एमयूए बंटाई रिप्लाई किया, यस 8 मिनट का डिस्ट्रैक है जहां पर वो कृष्णा रफ्तार दोनों को ही डिस किए, मतलब समझ रहे 8 मिनट का डिस्ट्रैक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। अभी तक जो है कृष्णा एंड रफ्तार का रिप्लाई नहीं आया इस चीज के ऊपर, जैसे आता मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स, अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में।